बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने मुख्य सचिव का मामला सीबीआई को भेज दिया है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को पद से हटाने की सिफारिश दिल्ली के एलजी से की थी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट भी एलजी को भेज दी थी। इसमें मुख्य सचिव पर कई आरोपों की जांच की बात कही गई थी। रिपोर्ट में उन पर आरोप लगाए गए थे और साथ ही जांच की सिफारिश। अब मुख्य सचिव पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 800 करोड़ के गबन का यह आरोप केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव पर लगाया है। बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया जिसमें 800 करोड़ रुपए का गबन हुआ है।